आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, यही हमसे पूछा गया है। तो ये चीज़ लिखी हुई है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज यूज टू रिमूव वाटर। तो ये वाटर के लिए रिमूवेबल होगा जो ये सब्सटेंस होगा वो। सो हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस वाटर के लिए रिमूवेबल होगा फॉर इन द लेबोरेटरी। तो ये जितने भी सब्सटेंस है, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, सोडियम क्लोराइड जो कि यहाँ पे NaCl, सोडियम कार्बोनेट दैट इज NaCO3, पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3। तो इनमें से हमें बताना है कि वाटर के लिए रिमूवेबल के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो CaCl2 क्या होता है, दिस इज हाइग्रोस्कोपिंग इन नेचर। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। आप सोच रहे होंगे हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, मोस्ट ऑफ यू आपको किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। सो लेट मी टेल यू दैट हाइग्रोस्कोपिक कौन सा होता है, दीज आर यूज टू एब्जॉर्ब वाटर। ये वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब किसी सोल्यूशन में आप एक्वा सोल्यूशन में ऐड करोगे तो वो वाटर रिमूव कर देगा और आपके पास सिर्फ डिहाइड्रेटेड सब्सटेंस बचेगा। सो यहाँ पे जो हाइग्रोस्कोपिक CaCl2 है, यही वाटर के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है लेबोरेटरी में। तो ऑप्शंस, अगर ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।